नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं परवीन पठान, आपके सामने क्राइम 7 न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए शुरू करते हैं आज की खबर। पूरी दुनिया में मशहूर सेरा जेन थेरेपी सेंटर, जिसकी अलग अलग शाखाएं पूरी दुनिया के अलग अलग देश, राज्य तथा शहरों में उपलब्ध है, जहां पर स्वास्थ्य से जुड़े हर तरह के मरीजों को थेरेपी दी जाती है और उन्हें निरोगी बनाया जाता है। विश्व भर में आरोग्य संस्था WHO द्वारा पूरी दुनिया के लोगों में स्वास्थ्य के लिए जागृति लाने के लिए स्पाइन डे मनाया जा रहा है, जिसके तहत सूरत के LB रोड पर स्थित शीतल शॉपिंग सेंटर में स्थित जैक थेरेपी सेंटर द्वारा सूरत की वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन हॉल में गत रोज स्पाइन डे मनाया गया। शहर के लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागृति लाने के लिए जैक थेरेपी सेंटर द्वारा ऐसे अनेक कार्य किए जाते हैं और इस कार्यक्रम में जैक थेरेपी सेंटर के सभी सभ्य और अग्रणी उपस्थित रहे और शहर के लोगों को निरोगी बनाने के नेक मकसद से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चुनन सेराजे में मार्केटिंग डायरेक्टर हाको इनन किम सुहोंग इरागो हमिदा। सर का नाम है मिस्टर किम सुहोंग एंड एज अ मार्केटिंग डायरेक्टर काम कर रहे हैं सेराजेम कंपनी में। सेराजेम 1998년에 만들어졌고 सेराजेम कंपनी 1998 में एस्टैब्लिश हुई है। 지금 20년이 됐고요. और अभी अराउंड 20 इयर्स हो चुके हैं कंप्लीट। 인도에 온 지는 2005년도에 왔습니다. 2005 में इंडिया में एंटर हुई थी। 2001년 10월 16일은 WHO에서 제정한 척추의 날입니다. 2001 16th October को WHO की तरफ से स्पाइन डे बनाया गया था। 그래서 오늘 척추에서 많은 분들한테 알려드리기 위해서 आज यहां पर स्पाइन के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके उसके लिए सूरत 지역에서 척추의 날을 이렇게 하게 됐습니다. सूरत एरिया में एक स्पाइन डे का फंक्शन किया जा रहा है। 많은 분들이 척추에 대해서 아는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 그럼 हम यही चाहेंगे कि इस फंक्शन के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोग स्पाइन के बारे में जागरूक हों। कामसामिदा। थैंक यू। मेरा नाम पूर्णिमा देसाई है और गोड़दोड़ भटार से एरिया के ऑनर हूं मैं। आज 18 मार्च 2018 में भटार और गोड़दोड़िया दोनों सेंटर मिला के हम स्पाइन डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। करीबन यहाँ 1300 लोग अभी इकट्ठित होने वाले हैं और वेसू और भटार दो एरिया साथ में मिला के स्पाइन डे का सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं। लोगों के अंदर हेल्थ की अवेयरनेसता आए, आज का जो हमारा समय है भागदौड़ वाली लाइफ है उसके अंदर लोगों की हेल्थ जो है वो बहुत परेशान है, स्पाइन रिलेटेड बहुत सारे परेशानियां है। तो हम लोगों ने कोशिश ये की है कि लोगों के अंदर हेल्थ की अवेयरनेसता आए और सब ठीक रहे और ये थेरेपी का बेनिफिट भी साथ में ले, ऐसी ही कोशिश के साथ आज स्पाइन डे का सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं। अभी अब तक कितने लोगों ने स्पाइन जो है कि इसका लाभ लिया है? करीबन रेगुलर सेंटर में तो 450 लोग थेरेपी लेते हैं, मगर यहाँ सेंटर के अंदर आज जो यहाँ फंक्शन है हमारे तो वहाँ है 1300 लोग इकट्ठा होने वाले हैं एक साथ जो नॉलेज लेंगे, एजुकेशनल प्रोग्राम है ये। नमस्ते, मेरा नाम मोहित गाड़ोदिया है और हमारा जो सेंटर है वो वेशु में सोमेश्वरा चौकड़ी के पास में है। जी, आज का जो प्रोग्राम है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज जो हमारा प्रोग्राम है उसमें खास करके इसलिए रखा गया है ताकि नए लोगों के अंदर स्पाइन के बारे में जागरूकता है, सेराजिम क्या करता है, सेराजिम लोगों के जीवन में क्या दे रहा है उसके बारे में लोगों को पता चले अच्छे से, इसलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। और जैसे मैडम ने बताया है कि यहाँ पे लगभग 1300 लोग आज इकट्ठा होने वाले हैं, तो लोगों के अंदर हेल्थ के प्रति थोड़ी जागरूकता है उसके लिए हम लोगों ने प्रोग्राम रखा। कितने कार्यरत सेंटर हैं आपके यहाँ? हमारे सूरत में 10 सेंटर है और अलग अलग एरिया में 10 सेंटर चल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आराम से 6-7 किलोमीटर के एरिया के अंदर उसको कोई ना कोई सेंटर तो सूरत में पड़ ही जाता है। तो हम चाहते हैं कि ये सेंटरों, ये जितने भी सेंटर है सब फ्री में चल रहे हैं और हम लोग फ्री में थेरेपी देते हैं, तो हम चाहते हैं कि सब लोग इस फ्री थेरेपी का लाभ उठाए और स्वास्थ्य लाभ ले। कैमरामैन सादिक पठान के साथ संवाददाता परवीन पठान, क्राइम 7 न्यूज सूरत।